अब मैं वही कह रहा हूँ कि यू नो नाउ रेजरक्शन रिबर्थ या अहमद जानजेब थर्ड वेव जो भी आप कहें उसको ये तेरा मेरा या, यार मुझे तो लग रहा है कि एग्जैक्टली exactly सेम ही फ्रेम है बस थोड़ी सी कुछ चीजें ऑटोमेटिकली बाय टाइम चेंज हो गई हैं वो लॉन्ग ड्यू एक प्रोसेस था कि कहीं ना कहीं बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन थिंग्स Uh, अभी भी अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है ना कि यार ये गाना तुमने बनाया या बहुत सारे लोग बहुत ओवर जैजुरेट करके कि यार क्या धुन है यार वाह भाई कमाल हो गया तो मैं मुझे लगता है कि यार आई वो ऑलवेज हेल्ड माय ग्राउंड इन अ वे मुझे अपनी जो, जो सारी जितनी प्रोडक्ट्स जो मैंने लॉन्च की वो सारी मेरी बेबीज हैं यार मतलब नजर नहीं, तो नहीं आती ना जिस तरह ये गाना नजर आ रहा है अब वो क्या वजह है ये वजह राफे भैया ये जो है ये टाइमिंग कुछ उस खुदा की जिसने इस कायनात को बनाया कुछ है इट्स नॉट इन इन गेम कंट्रोल यू नो वो कौन सी चीज कब ऑडियंस को समझ में आ जाएगी क्या पता वो तेरा मेरा का है समझ में आ गया उनको आ। या कोई मेलेडी के अंदर कोई धोखलाइन ऐसी है कि जो समझ में आ गई है क्योंकि हम तो ऑन एंड ऑफ कर ही रहे हैं काम और तो को अमर कर दिया हाँ कुछ है कुछ हाँ। ये अमर क्यों हुआ है और किस तरह जा, अभी तो अमर होने के ऊपर है सफर पे है तो ये चीजें मुझे समझ में नहीं है मैं आपको इसकी हकीकत बताऊँ ये गाना रिजेक्ट हो चुका था अच्छा ये yes. हम हम तेरा मेरा प्यार है अमर जो ओएसटी हाँ, है और, आपका तो तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे से बिल्कुल सच बोलता हूँ डोंट के नहीं, नहीं अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो मैं निकाल लूंगा आपने हाँ वही वगैरह निकाल लिया तुमने तो हाँ <laughs> मैं, मगर ये कि इस हकीकत ये कि इस गाने का ही ओएसटी था इश्क मुर्शिद अच्छा द टाइटल ऑफ द होल ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद और वो था कि यू uh, नो you know, uh, इश मुर्शिद मेरा और इश मुर्शिद तेरा इस टाइप की कोई टाइटल सॉन्ग बना मैंने बनाया था और लिखा भी ख़ुद ही था और उसको साबिर जफ़र ने थोड़ा सा करेक्ट करके चीज़ों को आई थिंक वो साबिर जफर को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा गाना लिखा uh, दो हो okay, कि वो गाना भी मुझे उतना ही पसंद है मगर ये जब प्रेजेंट हुआ था टू द बोर्ड तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कहा कि ये गाना और आपको मैं दो गाने सैंपल्स दूंगा हाँ, हाँ, ये गाना भी चेक कर लीजिएगा वो तो ये गाना मुझे और फारूक जो है ना हाँ, हाँ, वो तेरा मेरा है प्यार हम लोग इसके ऊपर अंदर से गट फीलिंग ये बोली थी यार ये गाना होना चाहिए अप्रूव अच्छा। खैर जब भी गया तो बोर्ड में उन्होंने बोला कि यार नो इट्स ओल्ड स्कूल और बड़ा पुरानी दे रहा है नहीं ये गाना नहीं बोर्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट ये बात अब वो बोर्ड जो है ना वो बोर्ड जो है ना वो मिल नहीं रहा कहीं हाथ नहीं आ रहा वो गायब हुआ हुआ है क्योंकि जब ये गाना अच्छा हुआ ये कि गाना इन्होंने कहा कि नहीं रिजेक्ट कर दिया उन्होंने ये गाना तो चलेगा ही नहीं तो मैंने कहा ठीक है क्या करते हैं बट डायरेक्टर से मैंने फारूक साहब से मैंने बोला सिचुएशन में डाल देते हैं गाना जाया नहीं करना है बस अच्छा। तो ये तो उन्होंने कहा हाँ हाँ तू फिक्र ना कर पहले एपिसोड में ही कहीं इसको डाल देते हैं

माहौल देना शुरू कर दिया था वो उसके अंदर ब्रांड जो जो बना है बजा हुआ है सिचुएशंस पे आ रहा था सिचुएशंस में जा रहा था बट वाजन रजिस्टर्ड गाना है क्या गट फीलिंग बोल चुकी थी ये गाना यही गाना चलेगा मेरी मेरी गट फीलिंग सेकेंड एपिसोड में रिवील हो गया और गाना का मुखड़ा आ गया इसमें और फिर TikTok बादशाह